नमस्कार, एबीएनएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि जो तांत्रिक होते हैं, जो ओझा होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो साधु होते हैं, ये हमारे समाज के बड़े खतरा हैं। ये हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे तांत्रिक हैं जिनके कहने पर कहीं ना कहीं अंधविश्वास में आकर लोग वो कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इस पर कहा कि कोई कानून बनाया जाए, लेकिन क्या कानून बन जाने से इन पर लगाम लग जाएगी? आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून की जानकार हैं एकता चौधरी, आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कहेंगी, ये सामाजिक कुरीति है। आपने देखा होगा, आए दिन खबरें पड़ती हैं कि फलाना तांत्रिक के कहने पर बच्चे की बलि दे दी गई, फलाना तांत्रिक कहने पर ये दे दिया गया। ये सामाजिक कुरीति कैसे दूर होगी? जागरूकता से। अगर आप, जब तक लोगों को एहसास नहीं होगा कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है, ये सारे तांत्रिक के बातों में विश्वास करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तब तक ये चीज़ें इट विल कंटिन्यू। लेकिन जागरूकता आई कैसे, कौन करेगा जागरूक इनको? हम करेंगे, हम मतलब हम सबको करना है। वी के नॉट जस्ट डिपेंड कि हम सरकार के ऊपर डिपेंड करेंगे कि सरकार कानून लाएगी, जब कानून लाएगी तो उसको लागू करेगी, जब लागू करेगी तो हम सबको बताएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि ये चीज़ गलत है। हम पढ़े लिखे लोग भी काफ़ी इन चीज़ों को मानते हैं, बहुत हद तक मानते हैं, दही खा के घर से बाहर निकलते हैं। तो जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ें गलत हैं, तब तक, और हम आसपास के लोगों को, अपने घर में जो काम करने वाले लोगों को, उनको नहीं बताएंगे कि ये चीज़ें गलत हैं, तब तक ये चीज़ें दूर नहीं होने वाली हैं। मैम, हम देखिए कि हम 21वीं सदी में जा चुके हैं, हमारा देश विकसित राज्य है, हमारा कोरोना हुआ, लेकिन कोरोना के बाद भी हम लोग जैसे उभरे हैं, तो भारत एक कह सकते हैं कि ऐसा एक लोगों के साथ मिसाल पेश किया है। लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर आप देखेंगे जैसे तांत्रिक हैं, आपकी काला जादू है, काला मैजिक होता, तमाम तरह के होते हैं, उसको कि हम दूर, क्या कानून से दूर कर सकते हैं इसको? मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि कानून तो एक माध्यम हो सकती है, लेकिन सिर्फ माध्यम नहीं, मतलब सिर्फ एक तरीका नहीं हो सकता, और भी चीज़ें हैं। जैसे हमने एजुकेशन, जागरूकता, एजुकेशन, जैसे अभी जो PIL लगा हुआ दाखिल हुई है, ब्लैक मैजिक, सुपरस्टिशन एंड फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्शन के अगेंस्ट हुई है। इस पे ये उस सुप्रीम कोर्ट के 1995 के एक जजमेंट थी, सरला मुडकल केस था, उस पे सेंटर को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि आप प्लीज़ देखो कि अगर फीजिबिलिटी है कि नहीं फॉर इनएक्टिंग एन एंटी कन्वर्शन लॉ, ठीक है। और उसके बाद इस PIL में रिलायंस प्लेस किया गया है आर्टिकल 14, 21, 25 एज वेल एज आर्टिकल 46 पे, जिसमें साफ कहा गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जिसमें कहा गया है कि आप, देर इज़ प्रोविजन फॉर सेफगार्ड ऑफ वुमेन चिल्ड्रन एज वेल एज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। बिकॉज ये वुमेन चिल्ड्रन एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये वो सेक्शंस हैं, मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग ओनली, बट मोस्टली ये वो सेक्शंस हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक, बिकॉज ऑफ नॉन बिलीवर्स, ये सेक्शंस हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो ऑलरेडी ये प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप कानून ला सकते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दिस क्लास ऑफ पीपल। सो इस क्लास ऑफ पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई कानून आती है एंटी कन्वर्शन या फिर सुपरस्टिशन या ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट, तो इट इज़ वेरी मच लॉ में वो वैलिड है, इन्फोर्सिबल है। लेकिन सिर्फ कानून ला के चीज़ें बदल जाएगी, एक रात में बदल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हमें और आपको, सबको मिलके ये चीज़, ये चेंजेस लाने हैं हमारी सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी भी हमारी है, हम भी रहे इसी सोसाइटी में, तो हमें ये चेंजेस लाने हैं। हमें अपने आसपास के लोगों को बताना है कि इट इज़ नॉट इस बेसिस पे, आप मतलब इन पे बिलीव करके आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको जो मिलना अपने पुरुषार्थ से ही मिलेगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी कानून की जानकार एकता चौधरी, जो हमारे साथ बातचीत कर रही थी। हम लोग 21वीं सदी में, लेकिन अभी भी हमारे समाज में कई ऐसी सामाजिक कुरीतियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। हम हर काम के लिए सरकार पर निर्भर नहीं हो सकते, हम हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपकी, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है जिसको निर्वाह करना है। समाज के अंदर ऐसे जो कुरीतियां, उसको दूर करना है। कुरीतियां दूर तभी होंगी जब हम और आप लोगों को अवेयर करेंगे, यानी जागरूकता लाएंगे, तभी जाके ऐसे लोगों से, यानी तांत्रिकों से, काला जादू से, ये साधु महात्मा होते हैं, सभी जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ जो साधु महात्मा होते हैं जिनकी वजह से समाज के अंदर जो हमारी बुराई फैलती है, उनसे तभी हमें निजात मिल सकता है। कैमरा के साथ सुरेश झा, ABN News, दिल्ली।